पंजाब केसरी राजस्थान आपके लिए लेकर आया है राजेश पायलट की पत्नी रमा पायलट की यादों में बसा वो आखिरी दिन जब राजेश पायलट का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। उससे पहले के 24 घंटों की कहानी सुनिए मेरे साथ। दूसरे दिनों की तरह वो भी एक आम दिन था, रोजाना की तरह एक बेहद गर्म दिन। आसमान से मानो आग बरस रही थी। उन दिनों मैं राजस्थान की हिंडौली विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक थी। राजेश पायलट लगातार चौथी बार दौसा से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। मैं सोमवार से शुक्रवार तक अपने विधानसभा क्षेत्र में व्यस्त रहती थी। शुक्रवार की शाम या शनिवार को मैं दिल्ली लौट आती थी। 10 जून को शनिवार था, उस दिन मैं भी अपना कामकाज निपटाकर दिल्ली लौट आई थी। घर के अंदर दाखिल हुई तो वहाँ एक डॉक्टर को बैठा पाया। डॉक्टर साहब एयरफोर्स के जमाने से राजेश जी के दोस्त थे। मैंने अभिवादन करने के बाद उनसे पूछा कैसे आना हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें सचिन का फोन आया था कि डैडी रात को सो नहीं पाए थे। सचिन ने उन्हें यह भी बताया था कि रात को राजेश बेहद परेशान थे। मैं हैरान थी क्योंकि ये शुक्रवार की रात की बात थी। शनिवार का दिन चढ़े कई घंटे बीत चुके थे और मुझे राजेश जी की तबीयत के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया था। वे बेचैनी की वजह से पूरी रात सो नहीं पाए थे। डॉक्टर को बुलाने की नौबत आ गई और मैं इस बात से अब तक बेखबर थी। मैं थोड़ा परेशान हो गई, सचिन से फौरन बात करना चाहती थी। लेकिन मेरे राजस्थान से लौटने से पूर्व ही सचिन मुंबई के लिए रवाना हो गया था। दरअसल उन दिनों सचिन अमेरिका के हार्टन बिजनेस कॉलेज से MBA कर रहा था। छुट्टियों में घर आया था और वीकेंड पर बहन सारिका से मिलने मुंबई गया था। मैंने डॉक्टर से राजेश जी की सेहत के बारे में पूछा। वह अभी अभी राजेश जी की ECG करके हटे थे। मैं जिस वक्त राजेश जी के कमरे में दाखिल हुई तब वह बिस्तर पर लेटे हुए थे, बेहद थके हुए लग रहे थे। उनके चेहरे पर मैंने इतनी थकान पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी हालत देखकर मेरी परेशानी और बढ़ गई, लेकिन डॉक्टर ने हमें आश्वस्त किया कि घबराने की कोई बात नहीं है, जरा थकान की वजह से तकलीफ हो गई थी, आराम करके सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को विदा करने के बाद मैंने राजेश जी से उनका हालचाल पूछा। हम दोनों काफी देर तक बातचीत करते रहे। बातें करते करते ही उन्हें नींद ने आ घेरा, तब मैं भी उनके कमरे से बाहर आ गई। वहां तैनात स्टाफ से मैंने कहा कि साहब अभी आराम कर रहे हैं, ध्यान रहे कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना कर पाए। शाम के वक्त राजेश जी की नींद खुली तो उठते ही ताज होटल पहुंच गए। वहां कुछ देर वर्कआउट किया, जमकर पसीना बहाया और फिर घर लौट आए। डिनर करने के बाद राजेश जी मुझसे बोले, अच्छा रमा मैं अभी सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठना है। मैंने सवाल भरी नजरों से उनकी तरफ देखा तो वो बोले, कुछ नहीं जरा दौसा जाकर आना है। मैंने कहा, अगर आपको दौसा ही आना था तो मुझे बता तो देना था, मैं वहीं रुक जाती, दिल्ली आपके साथ ही आ जाती। राजेश जी बोले, अरे नहीं भाई, कोई प्लानिंग नहीं की थी, अचानक जाने का प्रोग्राम बन गया। वहाँ 101 कुंडली का यज्ञ हवन हो रहा था। मैंने कहा, ठीक है, आपका फोन चार्जिंग पर लगा दिया है, सुबह याद करके लेते जाना। रात को हमने साथ डिनर किया, काफी देर तक बातें करते रहे और करीब 10:30 बजे सो गए, क्योंकि राजेश जी को दौसा जाने के लिए सुबह जल्दी जगना था। सुबह ठीक समय पर वो नहा धोकर तैयार हो गए। सुबह मैंने खुद ही राजेश जी को मोबाइल फोन थमा दिया। वह बोले कि दौसा में तो नेटवर्क ही नहीं होगा, फिर फोन क्या काम आएगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, रख लीजिए, हो सकता है कि एयरपोर्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको कोई बात याद आ जाए। राजेश जी ने फोन जेब में डाल लिया, साथ ही मुझसे बोले, मुंबई चलते हैं बच्चों के पास। मैंने पूछा, कब? राजेश जी बोले, मैं रात को लौट आता हूँ, कल सुबह चलेंगे, ट्रेन की टिकट बुक करवा रखी है, वापसी में प्लेन से आ जाएंगे। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? उन्हें जब भी कोई खर्चा करना होता था इसी तरह पैसे मांग लेते थे। खुद तो वह ना कभी पर्स रखते थे और ना ही उनकी जेब में कभी पैसे होते थे। बहरहाल मुझसे कुछ पैसे लेकर वह घर से निकले और गाड़ी की तरफ बढ़ गए। मैं घर के दरवाजे तक उनके पीछे पीछे आई, उसके बाद वह गाड़ी में सवार हो गए।
सीट पर बैठने के बाद गाड़ी से बाहर झांक कर मुझे उन्होंने बाय बाय किया। मैंने भी पूरी गर्म जोशी के साथ उनकी तरफ हाथ हिला दिया। उस वक्त मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि राजेश जी से वह मेरी आखिरी बाय बाय होगी। और एयरपोर्ट जाते जाते की गई फोन कॉल अपने एक लड़के निरंकर सिंह से, तब उन्होंने कहा था कि जितनी भी गाय घर में बंधी हैं, उन्हें पटियाला पहुंचा देना। मैं आज तक समझ नहीं पाई हूं कि उन्होंने गायों को घर से दूर भेजने का फैसला क्यों लिया था। कोई नहीं जानता था कि उस दिन होनी के गर्भ में क्या छुपा हुआ था। अगर जरा भी अंदाजा होता तो उस दिन उन्हें किसी भी कीमत पर मैं घर से बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन राजेश पायलट हंसते मुस्कुराते दौसा के लिए रवाना हो गए। अपनी कर्म भूमि पर शायद उन्हें आखिरी कर्म करना था। वह कर्म था ईश्वर का भजन, हवन, यज्ञ। वो दौसा एक धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए ही तो गए थे। क्षेत्रवासियों ने 101 हवन कुंड बनाकर हवन किया था। अब कई बार सोचती हूँ कि क्या सब ईश्वर करवा रहा था, क्या अपने खास भक्त की धरती से विदाई के लिए खुद भगवान कोई लीला रच रहे थे, क्या पहले से तय था कि उस दिन एक पवित्र आत्मा परमात्मा में लीन होने वाली थी।